हेलो। और सुबह के अभी बजे हैं, पता नहीं है कब से बैठे हैं, 10 बज चुके हैं और मेहमान का आने का वेट कर रहे हैं। तो मेहमान कौन है? मेरी फ्रेंड है, अहमदाबाद से आ रहे हैं उसके फैमिली के साथ। और सूरत से मेरी फ्रेंड आने वाली थी, पर 2 महीने पहले उसके फादर थे ना, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उसकी ननद आने वाली थी वहाँ उसके घर, तो उनका आना हुआ कैंसल, तो वो नहीं आने वाली है। और अहमदाबाद से आने वाली है एक मेरी फ्रेंड, और दूसरी सूरत से आने वाली थी, तो उसका आना हुआ कैंसल, तो उसका वेट कर रहे हैं। और वो 8 बजे के आसपास निकले वहाँ से। दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे है ना, वहाँ से वो आने वाले हैं, तो शायद 2.5 या 3 घंटे में वो पहुँच जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ, वो कितने सालों बाद पहली बार मेरे घर आ रही है। तो मैं तो उसके घर गई थी कोरोना से पहले, 2 दिन रुकी थी उनके घर, मैं और वे दोनों। तो इस बार उसने सोचा मैं भी आऊँ, और वर्षा भी आने वाली थी, और जो सूरत से आने वाली है ना उसका नाम वर्षा था, और जो अहमदाबाद से आने वाली है ना उसका नाम जागृति है, यानी कि उसके ससुराल उसको जानवी बुलाते हैं और हम जागृति और जागू में तो कहते हूँ। तो चलो ये तैयारी है। और वेद को भी आज जल्दी उठा दिया है ना, रात को 12 बजे के आसपास सोया था। कितने बजे सोया था? 12 हो गए। और कौशिक को आज नाइट थी। और अभी मैं इंस्टा पर रील बना रही हूँ, वो आएंगी थोड़े, मेरे वीडियो है ना वो आने के बाद। तो मैंने सोचा आज का ही वीडियो बना लेती हूँ, वरना आज बहुत ही मस्ती करने वाले थे हम लोग तीनों मिलते ना तो। पर कोई बात नहीं, मैं और जागू फिर दोनों रील बनाएंगी, क्योंकि रील्स बनानी है मुझे। मैं अकेली बनाती हूँ रील्स में, मैं अकेली देखती हूँ, तो कोई साथ में होता नहीं है। फिर वे तो आता नहीं है, कौशिक भी नहीं आते, तो मैंने सोचा वो आएंगे ना तो बहुत ढेर सारे वीडियो भी बनाऊंगी और रील्स भी बनाऊंगी। तो चलो वेलकम कर देती हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबके से जरूर से पता है कीजिएगा कमेंट करके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जागू और वो लोग जाने वाले हैं यहाँ से सीधा सूरत, तो हमारा भी प्लान बन गया है वेद का और मेरा सूरत जाने के लिए। और लोग संडे को रिटर्न आने वाले हैं, तो उसके साथ हम भी चले आएंगे। 2 दिन हम रुकेंगे सूरत, सैटरडे और संडे। तो आज फ्राइडे है, आज वो लोग पूरा दिन यहाँ पर रुकेंगे, और शायद रात को भी रुक सकते हैं। तो कल सुबह हम जाएंगे या फिर आज शाम को जाएंगे, कुछ ऐसा प्लान नहीं है। और हमारा भी प्लान बन गया है साथ साथ में, वेद का और मेरा भी, वरना मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, वो लोग आ रहे हैं ना, इसलिए सोचा कि चलो वो जाते हैं तो उसके साथ ही मैं रिटर्न भी आ जाऊँगी। मेरे ख्याल से आते आते तो 11:30 12 बज जाएंगे, इतनी गर्मी है ना, तो मैंने सोचा घर पर क्या लंच बनाना, तो हम लोग बाहर ही जाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्लान बनता है आगे, और कितनी हम रील बना पाते हैं। हम 2 ही लोग हैं और उनका एक बेटा है, वो लोग आएंगे तो उसके साथ मिलवाऊंगी, कंफर्टेबल हुआ तो। બંધ હવે અમારે અમદાવાદ જઈને
और इन लोगों को आते आते शायद 12 बज चुके थे और हम 1-1.5 घंटे बैठे रहे ऐसे ही। फिर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी और वो सामने बैठी है, वो मेरी फ्रेंड है जागृति और उसका बेटा है और उसके हस्बैंड है और उसकी जो बड़ी बेटी है वो कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। और फिर मैंने घर पर खाना नहीं बनाया था क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें भी और फिर कितने सालों बाद वो आई थी मेरी पहली बार मेरे घर पर, तो फिर हमने बाहर ही लंच किया और घर पर लंच प्रिपेयर करती ना तो हमारे पास टाइम भी नहीं रहता बिल्कुल भी बैठने के लिए, तो फिर हमने बाहर ही लंच किया। और इसका बेटे का नाम है ओमी और उसके हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं। सूरत से मेरी फ्रेंड वर्षा भी आने वाली थी उसकी बेटी के साथ, एंड टाइम में उसका प्लान कैंसिल हुआ, वो आती तो बहुत ही और मज़ा आता और हम रील भी बना पाते। फिर हम अकेले थे ना तो कोई भी रील भी नहीं बना पाए और बनाई भी नहीं हमने, और बातों में ही लग गए थे ना तो फिर वीडियो का ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पर मुझे, वीडियो इतना लंबा हो गया था मुझे इसको कट करना पड़ा। ये मेरी फ्रेंड है जागो, हाई कर दे। कितने साल बाद मेरे घर पर आएंगे वो लोग? कमी कितना ना तो? मारा लगन ना 15 वर्ष थी गया, कितना टाइम आई भी ना थी मेरे फर्स्ट टाइम। और फिर यहाँ पर हम लंच करने के लिए आ गए थे और वहाँ से आने के बाद हम सीधा बेडरूम में ही घुस गए थे एसी में, और फिर हमने बहुत ढेर सारी बातें की और फिर रील बनाने का कोई भी ध्यान ही नहीं रहा हमको, और रील भी नहीं बनाई सच में, एक फ़ोटो भी नहीं खींची, बस ऐसा ही कुछ हुआ था। ये लोग काम पूछे एट खबर पड़े कोई और यहाँ पर वेद ट्यूशन गया था और उसका वेट कर रहे थे हम सूरत जाने के लिए, तो वेद के आने के बाद हम 6:30 या 7:45 हम निकले थे यहाँ पर उससे सूरत के लिए ट्यूशन के कपड़े पहने बहुत थक गया। यूमी ये मेरी मौसी, मेरा बेटा। और भाई Find the real me.